हेलो गाइस, आई एम रिक्की सूर्यवंशी। दिस इज माय यूट्यूब चैनल रिक्की सूर्यवंशी फोटोग्राफी। और अगर आप गाइस हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लिए सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो आज जो हम अपने बॉडी कुछ ऐसे एडिटिंग करने वाले हैं जो कि हमारा रियल बॉडी कुछ ऐसा रहेगा। तो गाइस एडिटिंग सिर्फ एक ही ऐप से कर लेंगे, स्नैपचैट से। और गाइस जो हमारा बैकग्राउंड होगा, जो हमारे पीएनजी होंगे, तो हमारा बैकग्राउंड कुछ ऐसा रहेगा और हमारे दो पीएनजी कुछ ऐसे रहेंगे। और गाइस अगर आपको ये वाले पीएनजी और बैकग्राउंड चाहिए तो आप मैं इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, जो कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी है साइड में आपको दिख रही है, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। रितु सूर्यवंशी 0 करके मेरी आईडी है। तो गाइस मैं आपको बैकग्राउंड दे दूंगा अगर आप मुझे मैसेज कर दोगे। गाइस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, वीडियो आपको बिना स्क्रिप्ट एंड तक फुल वॉच करना है ताकि आपकी फोटो एडिटिंग समझ में आएगी। तो गाइस करते हैं अपने फोटो एडिटिंग को ओपन। तो गाइस मैंने अपने फोटो गैलरी में ओपन कर लिया। तो देखिए मैंने कुछ ऐसे पोज दिया है अपने फोटो में, तो आपको ये ऐसे दे देना है। तो गाइस सबसे पहले तो हम शेयर वाले आइकन पर क्लिक कर लेंगे। तो कर लेते हैं शेयर वाले आइकन पर क्लिक, और अब हम स्नैपशीट पर क्लिक कर लेंगे, जो कि हमारा आइकन यहाँ पर आ चुका है। तो गाइस जो हमारा फोटो स्नैपशीट में आ चुका है, तो सबसे पहले अपने फोटो का बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर लेंगे और डबल एक्स वे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर गैलरी पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी गैलरी ओपन हो चुकी है। यहाँ से हम बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हम फोटो के बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं। तो गाइस मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट। तो मैंने अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया। आपको साइड वाले आइकन पर क्लिक करना है, ये वाले पर, और इसकी ऑप्शन एकदम फुल कर देना है और राइट पर कर लेना है क्लिक, ये वाले पर नीचे। अब आपको शेयर के बगल में क्लिक कर लेना है इस वाले ऑप्शन पर, और व्यू एड्स पर क्लिक कर लेना है, और पेंसिल इस पर क्लिक करके पेंसिल पर आ जाएंगे। तो गाइस इसकी ऑप्शन देखना, हम यहाँ से कम बढ़ती कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर आइकन देखना देखना मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारी जीरो हो गई, इसे करेंगे तो बढ़ा सकते हैं। तो इसकी ऑप्शन को आपको एकदम 100 रखना है, और अपने मॉडल को छोड़कर अपने बैकग्राउंड को ड्रॉ करते जाना है कुछ ऐसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर आपका कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ड्रॉ हो जाए तो हम उसे अरेज कर सकते हैं जीरो ऑप्शन कर कर। देखना जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, देखना मैं एक्स्ट्रा पार्ट ड्रॉ कर दिया, इसकी ऑप्शन को हम यहाँ से जीरो करेंगे ऐसे कर कर, और इस पर हम ऐसे करेंगे तो हमारी अरेज होती जाएगी। तो ऐसे आप भी अरेज कर सकते हो और आपका कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ड्रॉ हो जाए। तो गाइस जल्दी से ऑपोजिट हंड्रेड करके बाकी बैकग्राउंड को कर लेते हैं जल्दी से हम ड्रॉ। तो गाइस जो हमने साइड से अपना बैकग्राउंड ड्रॉ कर लिया है, आई वाले बटन पर क्लिक करेंगे जिससे हमें रेड दिखने लग जाए। देखना अब मैंने यहाँ पर आई वाले बटन पर टैप किया तो हमें रेड दिखने लग गया। अब हमें ड्रॉ करने में आसानी होगी, तो जल्दी से कर लेते हैं ड्रॉ। तो गाइस हमारी गलती से यहाँ पर ड्रा हो गया, तो इसकी ऑपोजिट को हम जीरो रखकर यहाँ पर रेज कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसे करके, और बाकी को 100 करके जल्दी से कर लेते हैं ड्रॉ। आई वाले बटन पर क्लिक कर लिया है, ऐसे करके हम ड्रॉ कर लेंगे। तो गाइस जो हमारा बैकग्राउंड फुल ड्रॉ हो चुका है, आई वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए जो हमारा बैकग्राउंड एकदम परफेक्टली ड्रॉ हो चुका है, सिंपली राइट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और एक नंबर चले जाते हैं बैक। तो गाइस जो हमारा बैकग्राउंड फुल चेंज हो चुका है, तो गाइस हमारा चेहरा कुछ ब्लैक दिख रहा है और हमारा चेहरा स्मूथ नहीं है। तो सबसे पहले अपने चेहरे को स्मूथ करेंगे, तो पेंसिल पर आपको क्लिक कर लेना है सबसे पहले, और लेंस ब्लर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको, जो कि यहाँ पर है दिखना ये वाला ऑप्शन, और यहाँ पर इसकी ऑपोसिटी को आपको पहले से इधर साइड में रख देना है ऐसे करके छोटा करके, ऑपोसिट को 33 तक रख कर राइट पर कर लेना आपको क्लिक। अब आपको शेयर के बगल में क्लिक कर लेना, व्यू एड्स पर चले जाना है और लेंस ब्लर पर क्लिक करके पेंसिल पर आ जाना है, और इसके ऑपोजिट को अंडेड ही रहने देना है, और अपने चेहरे को कर लेना है ड्रॉ। देखना जैसे मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरा चेहरा स्मूथ होते जा रहा है, बिल्कुल भी टेक्सचर नहीं दिख रहे हैं, एकदम चिकना होते जा रहा है। तो ऐसे जल्दी से कर लेते हैं ड्रॉ अपने चेहरे को सारे को। और गाइस ऑपोजिट को 50 रखकर हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे अपनी मूंछों को, यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर क्लियर लुक आना चाहिए। तो ऐसे करके हम जल्दी से कर लेते हैं, और ऑपोजिट जीरो रखकर साइड से ऐसे करके इरेज कर लेना आपको, जिससे हमारा यहाँ पर ब्लैक दिख रहा था, इसलिए जो हमारा ब्लैक नहीं दिख रहा है। तो आप जहाँ जहाँ चाहो वहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको 50 रखकर करना है जिससे हमारी फोटो की क्लियरिटी दिखे। तो गाइस जो है हम अपनी गर्दन को भी ऐसे ही 50 रखकर कर लेते हैं हल्का सा ड्रॉ ऐसे करके यहाँ पर, तो यहाँ पर ईयर पर भी कर लेते हैं, और राइट पर हम क्लिक कर लेंगे, जो कि हमारा चेहरा स्मूथ हो चुका है, एक नंबर बैक चले जाएंगे। तो देखिए जो हमारा चेहरा स्मूथ हो चुका है, पहले कैसा था अब हमारा चेहरा कैसा स्मूथ हो चुका है। तो आपको फिर से पेंसिल वाले आइकन पर आ जाना है और सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, ये वाले पर, और उंगली से टच करोगे तो आइकन आ जाएगा। तो इस आइकन को आपको अपने चेहरे पर रख लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा है। तो देखना ऐसे आपको यहाँ पर बड़ा छोटा करोगे तो ये रेड कस्टमाइज कर लेगा ऐसे दोनों उंगलियों से, जो कि देखना ऐसे यहाँ पर। तो भाई यहाँ से आइकन को हटाकर यहाँ पर रख लेते हैं अपने चेहरे पर यहाँ पर।
तो देखिए इसने रेड रेड कस्टमाइज़ कर लिया हमारे चेहरे को। आप अपनी दोनों उंगली से इसके साइज को छोटा कर लेना, ये वाली एक उंगली, ये वाली, तो ऐसे करके कर लेना। और इसके ब्राइटनेस को हम बढ़ाएंगे तो हमारा चेहरा गोरा होता जाएगा एकदम ब्राइट। तो मैंने इसके ब्राइटनेस को बढ़ा लिया 50 तक। आप भी ऐसे बढ़ा लेना और ऐसे ऊपर करोगे तो सैचुरेशन आ जाएगी। सैचुरेशन को आपको 10 तक बढ़ा लेना है, क्योंकि ब्राइटनेस में 50 तक, सैचुरेशन 10 तक बढ़ा लिया राइट पर। अब आप हम क्लिक कर लेंगे कोने में। तो गाइस जो हमारा चेहरा स्मूथ हो चुका है, देखिए एकदम काफ़ी। तो गाइस जो हमारी जैकेट का कलर है थोड़ा फीका दिख रहा है, तो हम इसे इसके इसके कलर को हम डार्क करेंगे अपनी जैकेट के कलर को। तो पेंसिल पर आपको फिर से क्लिक करना है और सेलेक्ट पर एक बार फिर से आ जाना है। अब आपको इस आइकन को अपनी जैकेट पर रख लेना। देखना मेरी जैकेट का ब्लू कलर मैंने यहाँ पर रख लिया है, तो देखना इसने रेड है, ब्लू कलर कस्टमाइज कर लिया है इसने रेड है, जब आपको दिख रहा है साइज को एकदम बढ़ा लें। इसकी सैचुरेशन को हम बढ़ाएंगे जिससे हमारी इसकी कलर बढ़ जाएगा। देखना मैं सैचुरेशन एकदम 100 तक बढ़ा दी, हमारी जैकेट एकदम न्यू लुकिंग आ चुकी है। और स्ट्रक्चर को 50 तक बढ़ा लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी सैचुरेशन 100 और स्ट्रक्चर 50 तक बढ़ा दिया राइट पर हम क्लिक कर लेंगे। तो देखिए जो हमारी जैकेट है वो भी डार्क हो चुकी है, देखना कैसा तुम्हारा फोटो अब कैसा हो चुका है। तो फिर से एक बार पेंसिल पर आ जाना है आपको सिंपली, और सेलेक्ट पर एक बार फिर से आ जाना है। अब आपको इस आइकन को ब्लैक कलर पर रख लेना है कहीं भी। तो गाइस मैंने यहाँ पर रखा है, यहाँ पर हमारा ब्लैक अंदर दिख रहा है। तो इसकी साइज एकदम बढ़ाकर आपको ब्राइटनेस को कम कर देना है जिससे हमारी फोटो क्लियरिटी बनी है। तो मैं 20 तक माइनस कर लिया है ब्राइटनेस को, आपको भी 20 तक माइनस कर लेना है। और गाइस इसके स्ट्रक्चर को आपको यानी सैचुरेशन को आपको 20 तक माइनस कर लेना है, सैचुरेशन को भी। तो ब्राइटनेस और सैचुरेशन हमने 20-20 माइनस रख लिए हैं। तो देखिए ब्राइटनेस 20 माइनस और सैचुरेशन माइनस 20 राइट पर अब आपको क्लिक कर लेना है। तो गाइस जो है हमारे फोटो में क्लियरिटी आ चुकी है। अब गाइस जो हम अपने PNG सेट करेंगे तो आ जाते हैं डबल एक्सपी वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से गैलरी में चले जाएंगे और यहाँ से हम उस PNG को सिलेक्ट कर लेंगे जिसे हम इस फ़ोन में लगाना चाहते हैं। तो गाइस मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, तो मैंने अपना PNG सेलेक्ट कर लिया है। तो ऐसे करके आपको रख लेना है। अब आपको बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है ये वाले पर, और ऊपर क्लिक कर लेना आपको और इसे एडजस्ट कर लेना है। तो देखना मैंने ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ मैं, तो ऐसे करके हम इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। तो गाइस अच्छे से ऐसे आपको कर लेना है एडजस्ट। तो गाइस जो हमारा एडजस्ट हो चुका है राइट पर हम क्लिक कर लेंगे। अब गाइस आपको फिर से पेंसिल पर क्लिक कर लेना है और डबल एक्स पर क्लिक करना है और गैलरी में चले जाना है। तो गाइस यहाँ से हम बटरफ्लाई वाला PNG सेलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस मैंने बटरफ्लाई वाला PNG सेलेक्ट कर लिया है और हम इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे और बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और इसे अच्छे से हम एडजस्ट कर लेंगे। और अच्छे से ऐसी गाइस आपको ऐसे भी आपको एडजस्ट कर लेना है। तो गाइस जो हमने इसे एडजस्ट कर लिया है अब ब्राइट पर क्लिक कर लेंगे। तो गाइस जो है हमारा फोटो काफ़ी अच्छे से एडिट हो चुका है। तो गाइस देखना एकदम परफेक्ट हो चुका है। तो गाइस आपको एक बार फिर से पेंसिल पर क्लिक कर लेना और डबल एक्स पर क्लिक करना है और गैलरी में से कोई सा भी बैकग्राउंड आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस जैसे मैं एग्जांपल के लिए यही वाला कर लेता हूँ, तो इसको हम एकदम छोटा करके जैसे साइड में रख देंगे, बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर डार्कन पर क्लिक कर लेंगे और राइट पर हम क्लिक कर लेंगे। अब हम ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर व्यू एड्स पर क्लिक कर लेते हैं और इस पर क्लिक कर पेंसिल पर क्लिक कर लेंगे और इसकी ऑप्शिटी को 75 रख कर इसे छोटा करके आपको नीचे ऐसे करके यहाँ पर ड्रॉ कर देना है जिससे हमारी फोटो की क्लियरिटी एकदम मस्त लगे। तो ऐसे हमने कर लिया है। अब हम राइट पर अब हम क्लिक करेंगे, एक नंबर बैक चले जाएंगे। तो देखिए जो हमारे फोटो में काफ़ी क्लियरिटी आ चुकी है, जो कि हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल फेक नहीं लग रहा है। तो गाइस जो हमारा फोटो ऐड हो चुका है डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं सेव। तो गाइस जो हमारा फोटो सेव हो रहा है कुछ ही देर में हमारा फोटो सेव हो जाएगा। तो गाइस हमारा फोटो हो चुका है सेव। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो के एंड तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करते लाइक, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। और अगर आपको बैकग्राउंड और PNG चाहिए तो आप मुझे Instagram पर मैसेज कर देना, मैं आपको PNG और बैकग्राउंड शेयर कर दूंगा। तो गाइस फिर कभी मिलते हैं फोटो एडिटिंग की ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ।